Hey guys, you're watching TrueKSP. मैं हूँ आयुष और ये वीडियो है आप अपने जो सोनी प्ले स्टेशन 2 के गेम्स हैं। आई नो सोनी प्ले स्टेशन 2 से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जो गेम्स की दुकानें होती थी जो कि आपको 10 रुपए में 15 रुपए में आधा घंटा जो खेलने का मौका मिलता था। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने मुझे कभी कोई भी कंसोल परचेज नहीं करने दिया, तो फिर मैं वीकेंड्स पर जाता था 10 रुपए 15 रुपए लेकर और PS2 सोनी प्ले स्टेशन 2 के गेम्स को एंजॉय करता था। तो उन सोनी प्ले स्टेशन 2 के जो गेम्स हैं, जो आपका पुराने जो कंसोल गेम्स है उन्हें खेलने का दोबारा से एक्सपीरियंस करने का चांस है, वो इस वीडियो के द्वारा मैं देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइलेंट हिल ओरिजिन्स। ये यू कैन सी हियर दैट साइलेंट हिल ओरिजिन्स इज बीइंग मूव्ड टू माय स्मार्टफोन वाया नियर बाय शेयर एंड इफ इन केस यू वांट टू नो दैट हाउ टू सेट अप नियर बाय शेयर ऑन द पीसी, तो फॉर द सेम आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो एंड दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको जानना हो नियर बाय शेयर पीसी के लिए कैसे सेटअप करते हैं तो फिर इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वापस से टॉपिक पर आते हैं, अगर आपको सोनी प्ले स्टेशन 2 के गेम्स एंड्रॉइड स्मार्टफोन में खेलने हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट होंगी, वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, मिनिमम आपका स्मार्टफोन और स्नैपड्रैगन 630 या उससे ऊपर का तो होना चाहिए। ऐसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है लेकिन टच स्क्रीन से मैंने देखा है उतना कंफर्टेबल नहीं होता है खेलना, तो आप एक कंट्रोलर का यूज करें। हाँ, अगर आप टच स्क्रीन से खेल सकते हैं तो आप खेलें। वैसे यहाँ पर मैंने अपने डिवाइस को, एंड्रॉइड डिवाइस को वायरलेस ADV से कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं अपने डिवाइस की स्क्रीन मिरर करूंगा। आई एम गोइंग टू मिरर द स्क्रीन ऑफ माई स्मार्टफोन एंड आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्यू फाइल्स, आई हैव डाउनलोडेड फ्यू फाइल्स। लेट मी शो यू दैट इफ आई गो टू द डाउनलोड फोल्डर ऑफ माई PC, तो मैंने कुछ फाइल्स को डाउनलोड किया हुआ है आपको ये दिखाने के लिए। यहाँ पर साइलेंट हिल के 2 गेम्स हैं। लेट मी मिरर द स्क्रीन ऑफ माई स्मार्टफोन टू द PC, तो मैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन अपने PC पर मिरर कर देता हूँ और यहाँ पर है मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ अपने फाइल मैनेजर पर जाकर। इफ आई गेट टू द फाइल मैनेजर एंड गेट टू द डाउनलोड्स फोल्डर एंड आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको गेम्स के ISO फाइल्स वगैरह चाहिए होंगी। ISO फाइल्स कैसे मिलेंगी आपको, आप सर्च कर लीजिएगा और आपको ISO फाइल्स मिल जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ISO, दरअसल आप जब डाउनलोड करेंगे तो कॉम्प्रेशन फॉर्मेट में होगी, वो कॉम्प्रेशन फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा, ये .7z का। यहाँ पर आपको फाइल को ऐसे होल्ड करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वैसे नॉर्मल फाइल मैनेजर से ये 7z वगैरह जो फाइल फॉर्मेट्स है, और भी दूसरे भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये फाइल फॉर्मेट्स एक्सट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं। तो उनके लिए आपको जी अचीवर डाउनलोड करना पड़ेगा। जस्ट हेड टू द प्ले स्टोर, यू गॉट टू डाउनलोड जी अचीवर फॉर ओके, फाइल ट्रांसफर इज कम्प्लीट बट लेट मी जस्ट मूव दिस एंड सर्च फॉर जी अचीवर एंड डाउनलोड द सेम, आई एम ऑलरेडी हैविंग इट। जो भी परमिशंस हैं वो सब आप इसे ग्रांट कर दीजिए। लेट मी जस्ट गेट टू द जी अचीवर, मैं जी अचीवर तक पहुंच जाता हूँ और जितने भी परमिशन है सब आप ग्रांट कर दीजिए। जस्ट ग्रांट ऑल द परमिशन एंड हेड टू द प्लेस वेयर एवर योर कॉम्प्रेस्ड फाइल्स आर, जस्ट क्लिक ऑन देम टू एक्सट्रैक्ट देम लाइक माई गॉड ऑफ वॉर। इफ आई क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट हेयर, लेकिन आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो कंटेंट सारा यही फैल जाएगा। तो फिर मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप एक फोल्डर बनाकर एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन एक्सट्रैक्टेड फाइल मेरे पास ऑलरेडी है तो फिर मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाला हूँ। आई एम ऑलरेडी हैविंग द एक्सट्रैक्टेड फाइल, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द सेम। और क्योंकि आपके जो डिवाइस के डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं उन्हें आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे ही PS2 BIOS, PS2 गेम्स वगैरह के फोल्डर्स बना ले BIOS वगैरह रखने के लिए। तो इफ आई गो बैक एंड अब आपको एक इम्युलेटर की जरूरत है जिसका नाम है Aether SX2, आई एम ऑलरेडी हैविंग दिस, बट शुरू से आपको इसका सेटअप दिखाने के लिए मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। I am uninstalling the same in order to show you the setup process from the beginning. Okay, here is Aether SX2 and यहाँ पर सेटअप मैं आपको बता देता हूँ।
और यहाँ पे सेटिंग्स आपको पहले तो ऑप्टिमल के साथ ही टेस्ट करना है, और ज़्यादातर में ऑप्टिमल सेफ डिफ़ॉल्ट से ही काम चल जाएगा, आपको कोई स्पेशल सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अपनी बायोस इंपोर्ट करनी है, बायोस कैसे इंपोर्ट करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। आपको बस PS2 बायोस सर्च करनी है और आपको मिल जाएगी, और आपको डाउनलोड कर लेनी है, और आप डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस फाइल फॉर्मेट में होगी। सर्च फॉर PS2 बायोस एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम, एंड वेन यू आर गोइंग टू डाउनलोड इट, इट विल बी इन दिस फॉर्मेट, यू कैन सी PS2-BIOS.zip, और इसे बस आपको होल्ड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वैसे एक्सट्रैक्शन मेरे पास ऑलरेडी है, क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट टू PS2 बायोस आप एक फोल्डर पर एक्सट्रैक्ट करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि सारा कंटेंट फैल जाता है, ऑल द कंटेंट विल गेट स्कैटर्ड। तो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज एक्सट्रैक्शन टू अ स्पेसिफिक फोल्डर। इफ आई गो बैक एंड S2 पर वापस चले जाते हैं, और आपको उस फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फोल्डर को आपने स्पेसिफाई किया है बायोस रखने के लिए। यू गॉट टू स्पेसिफाई द फोल्डर हियर विच एवर यू हैव डिसाइडेड टू कीप द बायोस फाइल, और मैं यहाँ पर आकर किसी भी बायोस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये PS2 बायोस। ओके, जस्ट टैप ऑन यूज दिस फोल्डर, और यहाँ से ओके नो गेम्स इन सपोर्टेड फॉर्मेट वर फाउंड, प्लीज एड अ डायरेक्टरी द गेम्स टू बिगिन। तो यहाँ पर आपको वो डायरेक्टरी, वो फोल्डर एड करना है जहाँ पर आपके गेम्स रखे हुए हैं। तो जस्ट गो बैक, और मैंने डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही एक और फोल्डर PS2_games नाम से बनाया हुआ है। आई हैव मेड अनदर फोल्डर नेम्ड PS2_games फॉर कीपिंग द गेम फाइल्स, और ये वही गेम्स फाइल्स हैं जो कि आप जो कंप्रेस्ड फाइल्स आपने डाउनलोड की है उनसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज दिस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अलाउ पर क्लिक करता हूँ, लेट मी जस्ट सिलेक्ट यूज दिस फोल्डर, क्लिक ऑन अलाउ एंड आफ्टरवर्ड्स लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द गेम। तो मैं फिर गेम पर क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना कंट्रोलर पेयर करूंगा। आई एम गोइंग टू कनेक्ट माई कंट्रोलर प्रायर टू एवरीथिंग। ओके, तो माई कंट्रोलर हैव गॉट कनेक्टेड। मैं पहले भी एक बार वीडियो बनाने की कोशिश कर चुका हूँ, बट एक्सीडेंटली उस वक्त मेरा माइक ही ऑफ था, तो फिर ओके इट इज सेइंग मिसिंग बायोस इमेज, तो फिर बायोस इमेज लगा देते हैं। ओके, तो गेम स्टार्ट हो चुका है, यू कैन सी दैट गेम हैव स्टार्टेड हियर। तो लेट मी जस्ट पुट माय फोन इन द लैंडस्केप मोड, और ये जो आप देख सकते हैं STRCPY से दरअसल ऑडियो स्ट्रीम नहीं होती है, आपकी सिर्फ स्क्रीन स्ट्रीम होती है, बट यहाँ पर ऑडियो भी आ रही है। इसके पीछे कारण ये है, दरअसल मैंने रिसेंटली ये जानने की कोशिश की थी कि मैं ऑडियो भी कैसे ला सकता हूँ, तो मैंने एल्गाटो वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में सुना था, और एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी सुना था कि इसके साथ अपने डिवाइस की स्क्रीन आप PC पर ला सकते हैं और आपकी ऑडियो भी स्ट्रीम होगी। अ सॉफ्टवेयर नेम्ड डू वन, एंड यू कैन ब्रिंग द स्क्रीन ऑफ योर स्मार्टफोन ऑन योर PC यूजिंग द सेम। आई वॉज जस्ट वंडरिंग हाउ टू गेट द ऑडियो, बट वेर आई सेट अप द डू वन आई फाउंड दैट इट वॉज हैविंग अ वेरी ह्यूज वाटरमार्क काइंड ऑफ थिंग। तो जब मैंने डाउनलोड किया डू वन को, तो फिर मुझे एक बहुत बड़ी सी वाटरमार्क टाइप की थिंग मिली, तो फिर मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद से मैं जब भी STRCPY को यूज कर रहा हूँ, तो मेरे जो स्मार्टफोन की जो ऑडियो है वो भी स्ट्रीम हो जाती है स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेटिंग्स पर जाकर आपको पैड पर जाकर आपको पोर्ट 1 पर क्लिक करके यहाँ पर सभी बटन्स को बाइंड कर देना है। यू जस्ट गॉट टू बाइंड ऑल द बटन्स फॉर डी पैड अप एंड ओके फॉर डी पैड राइट। तो मैं जल्दी से सारी वाइंडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग रिज्यूम करता हूँ। लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश ऑल द बाइंडिंग्स एंड देन रिज्यूम रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कुछ मैक्रोज वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। अब ये मैक्रोज क्या होती हैं और इन्हें कैसे सेटअप करना है, इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। यू कैन सेटअप द मैक्रोज ओवर हियर एज वेल, एंड व्हाट आर दीज मैक्रोज एंड हाउ टू सेट दीज अप, आई विल टॉक लेटर अबाउट दिस थिंग एंड के। और यहाँ पर आप अगर इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करते हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू इनेबल दिस ऑप्शन, यू आर गोइंग टू गेट वेरी बिग पोर्शन ऑफ द स्क्रीन बींग कवर्ड बाय द कंट्रोलर बटन। तो यहाँ पर आपको कंट्रोलर बटन से स्क्रीन का बहुत बड़ा पोर्शन कवर्ड देखने को मिलेगा अगर आप
एक्सटर्नल कंट्रोलर से खेल रहे हैं, आपको उन बटन्स की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको ये ऑप्शन जरूर इनेबल करना चाहिए। यू शुड इनेबल दिस ऑप्शन इफ यू आर यूजिंग एन एक्सटर्नल कंट्रोलर, इफ यू आर प्लेइंग विद एन एक्सटर्नल कंट्रोलर, बस इस बटन को इनेबल करना है और वो सभी बटन्स हाइड हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाकर, ग्राफिक टैब पर जाकर एस्पेक्ट रेशियो को स्क्रीन पर रखना है, या फिर आप व्हाइट स्क्रीन रख सकते हैं। तो इससे आपको जो पूरा गेम है वो आपको अपनी पूरी स्क्रीन पर दिखेगा, आपको लगेगा कि गेम ने पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है, तो इससे आपको कुछ बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। लेट मी शो यू सम गेम प्ले, मैं आपको थोड़ा गेम प्ले दिखा देता हूँ। New game, the gods normal. Of Olympus have abandoned me. और ये वही लॉर्ड क्रेटोस की सैड कथा। And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Send you back to the depths of Hades! I feel like this much gameplay should be enough. If you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel. You have been watching Trekkie Speaks. Thank you.